दोस्तों, तो क्या आपको लग रहा है कि यह जो आम का पेड़ है वह नदी में बहेगा या फिर नहीं बहेगा? हमको ऐसा लग रहा है कि यह जो आम का पेड़ है वह नदी में नहीं बह के जाएगा, क्योंकि यह आम का जो पेड़ होता है उसका जड़ बहुत मजबूत होता है, वह जमीन के अंदर पूरा अंदर तक होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यह जो पेड़ है वह जो और यह जो नदी है वह एक उत्तर प्रदेश का नदी है, जो कि आपका नेपाल की साइड में है, और इसका जो इस नदी का नाम है वह बेहला नदी है। तो वहाँ कुछ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि इस पेड़ में आप लोग इस पेड़ में जो है आम का फल भी लगा हुआ है। वहीं यदि यहाँ पे आम के पेड़ के जगह पे कोई व्यक्ति रहता तो इसे बचाने का पूरा प्रयास किया जाता, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब जो है यह पेड़ है वह बहने के कगार पे है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ महिलाएं वहाँ पे इसका पत्ता भी तोड़ रहे हैं और कुछ लोग वेट कर रहे हैं। दोस्तों, तो नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि आप लोग देख सकते हैं यार, नदी में मिट्टी के साथ साथ इस पेड़ को भी बहा ले गया। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा पानी होगा या फिर बहुत तेज से पानी चल रहा है। अब तो इसे बचाया भी नहीं जा सकता है यार, देख सकते हैं आप लोग कितनी तेज से बहा के लेके जा रहा है नदी इसे। दोस्तों, भारत में ऐसे लाखों पेड़ होंगे जो बरसात के टाइम में नदी में बह के चल जाते हैं। तो नदी के किनारे एक्चुअली ऐसे ऐसे बड़े बड़े पौधे लगाए जाते हैं जिसके जड़ एक्चुअली में मजबूत होते हैं, लेकिन बरसात के टाइम में पानी इतना का तेज होता है, उसका बहाव इतना तेज होता है कि उसे बहा ले जाता है साथ। तो यूं ही लाखों पौधे ऐसे ही बहकर चले जाते हैं नदी में जिसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।